दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी अगेन। आज मैं कैसे लग रही हूँ कमेंट करके जरूर बताना। आई थॉट कि आपके साथ शेयर किया जाए सारे प्रोडक्ट्स, क्योंकि मैं ऑयली स्किन हूँ प्लस सेंसिटिव स्किन हूँ। सो यस, अगर आप भी ऑयली स्किन है प्लस सेंसिटिव स्किन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, हियर आर ऑल दी प्रोडक्ट्स जो कि मैं डेली यूज़ करती हूँ। बट डेली कहूँ तो दोस्तों, मेरा ना स्किन केयर रूटीन चेंज होता रहता है। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं ऑयली प्लस सेंसिटिव स्किन हूँ, तो यस, सेंसिटिव स्किन में ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि सूट नहीं करते हैं। मैं चाहूँगी ऑब्वियसली कि जो प्रोडक्ट्स मेरी स्किन पे सूट करते हैं वो ही प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊँ। ये सारे प्रोडक्ट्स आप परचेस कर सकते हैं purple.com से। सो दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय देम, बट जो अफोर्डेबल रेंज उसमें है आप मैं वो ही शेयर करें। ओके, तो स्किन केयर रूटीन में हम मोस्टली क्या फॉलो करते हैं? प्रॉपर स्किन केयर रूटीन जो होता है, स्टार्टिंग विद द फेस वॉश हो गया, क्लेंजर हो गया, स्क्रबिंग हो गया, मास्क हो गया एंड सो ऑन। तो मेरे पास यहाँ पे है ये दो प्रोडक्ट्स जो कि फेस वॉश हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी जो मैं अभी करेंटली यूज़ कर रही हूँ, वो है ये गुड वाइब्स का हनी फेस वॉश। अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए समर सीजन में या फिर विंटर सीजन में, तो आप हनी यू नो अपने फेस पे भी लगा सकते हैं। इवन आप होम रेमेडी भी फॉलो कर सकते हैं, हनी को आप लगा सकते हैं नींबू में मिक्स करके, तो वो भी एक DIY रेमेडी है जो आप कर सकते हैं घर में। एंड ऑल्सो दिस फेस वॉश इज द बेस्ट, क्लेंजर का काम बहुत अच्छे से करता है। सो दिस इज द बेस्ट क्लेंजर। दिस इज जस्ट फॉर ₹195, सो ये अंडर 200 है। सो कैन यू गाइज इमेजिन, ₹200 में आपको इतना अच्छा फेस वॉश मिल रहा है, वो भी गुड करते हैं। गुड डॉक्स के प्रोडक्ट्स वैसे सारे ही आपको बहुत अफोर्डेबल रेंज में मिलेंगे। ये भी है जो कि मेरा करंट फेवरेट है, दिस इज द व्यायाम आयुर्वेदा का सैफ्रॉन ग्लो फेस वॉश है। सैफ्रॉन यानी कि केसर, यू गाइज नो मैं चंदन बोलने वाली थी, मैं हमेशा केसर और सैंडलवुड में कन्फ्यूज हो जाती हूँ। केसर अगेन हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है एंड ऑल्सो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। कोरोना के टाइम में भी इट्स रियली वेरी गुड, सो आप ये फॉलो कर सकते हो। दूध में आप केसर एंड हल्दी का दूध वाला क्या कहते हैं, हल्दी एंड केसर डाल के पियोगे ना, तो आपकी स्किन और भी ग्लोई होगी, सुपर ग्लोई होगी और आपको कोरोना से ही बचाएगा। बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट कर देगा, मॉइस्चराइज कर देगा। सो ये वाला प्रोडक्ट भी मैं ऑल स्किन टाइप के लिए रेकमेंड करूँगी। सो यहाँ पे मेरे पास दो मेरे फेवरेट स्क्रब्स हैं जो कि अगेन गुड वाइब्स ब्रांड के हैं, मुझे बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं आज आपको भी ये दोनों ही प्रोडक्ट हाईली रेकमेंड करूँगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ जो है ये गुड वाइब्स का लेमन बेसिल। ये दोस्तों डीप क्लेंजिंग स्क्रब है, ये आपकी स्किन को डीपली जाके अच्छे से क्लेंज कर देगा। तो ये जो लेमन बेसिल स्क्रब है दोस्तों, ये मैं हाईली सजेस्ट करूँगी ड्राई स्किन के लिए। बहुत ही अच्छा स्क्रब है, बहुत अच्छे से आपकी फेस को ये एक्सफोलिएट कर देगा, आपके जो ओपन पोर्स होंगे उसको भी ये अच्छे से यू नो एक्सफोलिएट कर देगा अगर उसके अंदर डर्ट घुसा होगा तो। जो सेकंड वाला है दोस्तों वो है ये पोमोग्रेनेट का, दिस इज दी ब्राइटनिंग फेस स्क्रब। वैसे तो दोस्तों दोनों ही स्क्रब डीपली क्लेंस करेंगे, बट स्पेसिफिकली जो पोमोग्रेनेट वाला है ये अभी न्यू लॉन्च्ड है, सो इससे ये आपके फेस पे एक ब्राइटनिंग ग्लोइंग इफेक्ट भी देगा। तो दोनों में ही आपको वॉलनट शेल्स मिलेंगे अंदर, जिसकी हेल्प से आप बहुत ही ईजिली अपने डेड स्किन सेल्स को यू नो एक्सफोलिएट कर सकते हैं। एंड दोनों ही प्रोडक्ट्स बहुत माइल्ड है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी, दोनों ही मेरे फेवरेट है। प्राइस है इसका ₹195 जो कि अगेन अंडर 200 है, और जो लेमन बेसिल वाला है दोस्तों ये भी 195 है। तो दोनों ही आपको अंडर 200 स्क्रब मिल जाए। अब स्क्रबिंग करने के बाद टोनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टोनिंग के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी अगेन गुड वाइब्स ब्रांड का, जो कि है ये मेरा फेवरेट रोज ग्लो टोनर। ये दोस्तों ऑल स्किन टाइप टोनर है, तो अगर आपके बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं तो उसको ये मिनिमाइज करने के लिए हेल्पफुल है। एंड ऑल्सो रेडियंट ब्यूटिफुल ग्लोइंग स्किन ये आपकी स्किन को बनाएगा। तो 200 में दिस इज़ दी बेस्ट ग्लो टोनर। नेक्स्ट वाला जो है वो है ये लिकरिस, ये है विद कॉफ़ी जो कि आपके सीबम, जो स्पेशली मेरे आप देख सकते हैं अभी भी लाइक मेरे को यहाँ पे सीबम की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। ग्रीन टी है इसमें, रोजिप है, रोजिप स्पेशली यू नो ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ड्राई स्किन भी इस प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हैं। आर्गन जो कि लाइक ऑब्वियसली आपकी स्किन को ग्लोई बनाएगा, मॉइस्चराइज करेगा अच्छे से, तो इसीलिए ये प्रोडक्ट जो है दोस्तों ये वाला टोना ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। लिकरिस इज रियली गुड, आपकी स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देने के लिए होता है। जस्ट फॉर ₹195, तो ये भी आपको 200 के अंडर ही मिल रहा है। टोनिंग करने के बाद आपको अप्लाई करना होता है मास्क, फेस मास्क। अगर आप क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग नहीं कर रहे हैं तब भी आप
फेस मास्क डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। दो प्रोडक्ट्स हैं जो कि लाइक करंट फेवरेट है मेरे, एक है गुड वाइब्स का विच इज़ दी रोज हिप फेस मास्क, ये है दोस्तों स्किन ग्लो के लिए। ये मैं अभी रिसेंटली बहुत यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्किन की टेक्स्चर को ये मेंटेन करेगा, आपके पीएच लेवल को मेंटेन करेगा। और रोज़ हिप जो है मैं रेकमेंड करूँगी ऑल स्किन टाइप के का। दिस इज़ अ बिट एक्सपेंसिव, ये अंडर 200 नहीं है, ये अंडर 300 है, तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ, दिस प्रोडक्ट इज़ जस्ट अमेजिंग। ये देखो, ये कुछ इस तरह से आपको गाजरी पिंक कलर में मिलेगा मास्क। प्रोडक्ट जो है दोस्तों ये है व्यायाम का, दिस इज़ दी अविरूपम त्वचा अविरूपम स्किन डिटॉक्स पैक है ये, और ये है कॉन्कॉक्टेड विथ नीम लीफ पाउडर एंड शीका काई पाउडर। अब ये एक स्पेसिफिक स्किन के लिए मैं रेकमेंड करूँगी, अगर आप ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन है तब आप ये वाला प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आप इसको कर्ड में भी मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं और आप इसे पानी में भी मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आपके बहुत ज़्यादा एक्नीज है ना, तो ये एक्नीज को कम करेगा, आपके ब्लैक हेड्स को कम करेगा, और अगर आपके बहुत बड़े बड़े पोर्स हैं तो उसको भी ये मिनिमाइज करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल प्रोडक्ट है। ये बहुत अच्छा है दोस्तों, दिस इज़ दी आयुर्वेदिक फेस मास्क पाक। ये आपको हाईली सजेस्ट करूँगी, डेफिनेटली ट्राई करना। इसका प्राइस मैं बता देती हूँ, दिस इज फॉर ₹250। फेस मास्क अप्लाई करने के बाद अगर आप सीरम या एसेंस अप्लाई करते हैं, तो मैं आपको अभी करंट जो मेरा फेवरेट है वो है एसेंस। सीरम्स भी ठीक है, बट सीरम्स मैं समर्स में बहुत कम यूज़ करती हूँ, विंटर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बट अभी समर सीज़न के लिए एसेंस आर दी बेस्ट। तो अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है एसेंस, आप ज़रूर ट्राई करना। मैं अभी करेंटली ट्राई कर रही हूँ ये दोस्तों डर्मा डॉग का है, दिस इज दी स्किन ग्लो फेस एसेंस, और ये है विद नायासिनमाइड, और ये आपके स्किन में हाइड्रेशन कूद कूद के देगा। तब आप फेस पैक अप्लाई करोगे, फेस पैक के बाद आप थोड़ा सा क्वांटिटी इसका लेना और अपने फेस पे इसे अच्छे से अप्लाई कर देना, मतलब इस तरह से अप्लाई करना, ठीक है, मतलब ऐसे आपको रब नहीं करना है, स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा, डीपली पेनिट्रेट होगा और आपकी स्किन को ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल ग्लो देगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देगा, मॉइस्चराइज कर देगा। दोस्तों एसेंस के बाद डे क्रीम अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, डे क्रीम हो या मॉइस्चराइजर्स। मॉइस्चराइजर समर्स में मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, बट अगर आप ड्राई स्किन हैं तो यू गैस कैन गो फॉर इट, बट अगर आप मेरी तरह ऑयली और सेंसिटिव स्किन हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप नॉर्मल जो डे क्रीम्स होते हैं वो अप्लाई कीजिए। सो मेरे पास यहाँ पे दो डे क्रीम हैं जो कि लाइक करेंटली मेरे फेवरेट हैं। सो एक तो है ये गुड वाइब्स का रोज हिप डे क्रीम, जो कि है दोस्तों मॉइस्चर रिच एंड आपकी स्किन को बहुत अच्छे से ब्राइटनिंग रेडियंट स्किन बना देगा। तो मैं इसीलिए आपको ये वाला प्रोडक्ट रेकमेंड करूँगी, क्योंकि ये भी यही करता है। जैसे इसका मास्क आपने देखा था, मास्क भी इसका टू गुड है, सो इसलिए मैं आपको ये वाला क्रीम भी रेकमेंड करूँगी। ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट है दोस्तों, एंड दिस इज़ फॉर ₹245। मैंने बहुत सारा हाईलाइटर लगा रखा है फेस पे, इसलिए इतना ग्लो कर रहा है, बट अगर आप चाहते हैं कि हेल्दी ग्लो, तब आप ये वाला रोज हिप अप्लाई करो, क्रीम आई मीन, और आपकी स्किन बहुत ही ब्यूटीफुली ग्लो करेगी। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दोस्तों वो है ये एलोवेरा का, और ये मल्टीपर्पज़ जेल क्रीम है। नाउ जेल क्रीम्स जो है दोस्तों, ये स्पेशली मैं रेकमेंड करूँगी ऑयली स्किन के लिए, सेंसिटिव एंड एक्नी प्रोन स्किन के लिए। वैसे तो आप अगर ड्राई स्किन भी है तब भी आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, आप इसको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कुछ घर में होम रेमेडीज़ फॉलो करते हैं तो आप उसके लिए भी ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और ये सुपर नेचुरल इन्ग्रीडियंट से बना है। ये जेल क्रीम मेरी स्किन को बहुत ही परफेक्टली सूट करता है, इसलिए मैं आपको भी रेकमेंड करूँगी, एंड दिस इज़ जस्ट फॉर ₹235। मेरे पास यहाँ पे एक नाइट क्रीम भी है, तो मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको, जब अभी मैं करेंटली यूज़ कर रही हूँ। सो दिस इज़ दी गुड वाइब्स का शिया बटर प्लस एलोवेरा नरिशिंग प्लस सूदिंग नाइट क्रीम है, और अभी मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और आपको सोने से पहले इसको अप्लाई करके सोती हूँ। फेस वॉश कर लेना अच्छे से, उसके बाद ही इसको रात को अप्लाई करना, ठीक है। या बटर जो है इसमें, ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इवन अगर आप ऑयली स्किन है तब भी आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही लेस क्वांटिटी में अप्लाई करना, आपकी स्किन को ये ब्यूटीफुल ग्लो देगा, और ग्लो भी ना बहुत ही अच्छा ग्लो देता है दोस्तों, क्योंकि जो कुछ कुछ ग्लो होते हैं जो कि लाइक थोड़े सेकेंड्स के लिए होंगे, फिर उसके बाद जैसे आपने क्रीम अप्लाई किया तब तक के लिए होंगे, बट ये वाला क्रीम अप्लाई करने के बाद आप सुबह सुबह नोटिस करोगे कि आपकी स्किन पे ना आफ्टर फेस वॉश आपकी स्किन तब भी ग्लो करेगी। आपकी स्किन फॉर्मिंग के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन इलास्टिसिटी के लिए बहुत अच्छा है। इसका प्राइस मैं आपको बताती हूँ, दिस इज़ जस्ट ₹275, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है दोस्तों, एंड ऑल्सो इसका जो आप क्वांटिटी देखोगे ना, इट्स टू गुड, मतलब आपको इतने बड़े जार में सी
इतना सारा प्रोडक्ट मिल रहा है, मेरे थोड़ा खत्म हो गया, मैं भी बहुत यूज़ कर रही हूँ उसको। सनस्क्रीन भी हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अभी समर सीजन में, अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो, बर्न हो जाती है स्किन, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सनस्क्रीन इज वी मस्ट हैव। सो मेरे पास है यहाँ पे गुड वाइब्स का जेल क्रीम सनस्क्रीन, ये है विद SPF 50 PA++++, ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा, यूवी रेज से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट, एंड ये व्हाइट कास्ट बिल्कुल भी लीव नहीं करता है। मोस्टली सनस्क्रीन में आपको व्हाइट कास्ट नजर आएंगे, तो आप इसको अपने हाथ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने लेग पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये अंडर 400 है, बट इट्स टू गुड, सो इस पे इन्वेस्ट जरूर कीजिएगा। सो दोस्तों, आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई है तो डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, और मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए Bye.